यहाँ पर हमने एक इनिशिएटिव लिया है जो बड़गाम की जो दीवारें जो सूनी पड़ी हैं अभी उनको खूबसूरत बनाने का, तो यहाँ हमने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की दीवार को चुना है और उसके ऊपर हमने कुछ पेंटिंग किए हैं जिसमें हमने कश्मीरी क्राफ्ट्स को दिखाया है, उसके अलावा कश्मीर में जो मेन अट्रैक्शन है उन चीज़ों को दिखाया है। तो बेसिकली जो यहाँ के क्राफ्ट्स हैं उनको GI टैग मिला हुआ है, जैसे पेपर मैची है, उसके अलावा वुड कार्विंग, वो सब हमने अपनी वॉल पेंटिंग में दिखाया है। इससे दो पर्पज़ हमारे सॉल्व होते हैं, एक तो लोगों को जानकारी होगी जो नए लोग हैं या कश्मीर के भी जो यंग जनरेशन, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि वो इन क्राफ्ट्स की तरफ अपने आप को लेकर जाएं, इन्हें जिंदा रखें क्योंकि यही पहचान है कश्मीर की। कश्मीर का जो क्राफ्ट है वो काफ़ी लिमिटेड हम कह सकते हैं, जैसे मैं यहाँ की नहीं हूँ पर एक साल से यहाँ पे रह रही हूँ तो मुझे इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। सिर्फ मैं ही नहीं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो निफ्ट के बाकी स्टूडेंट्स हैं, हम कश्मीर के क्राफ्ट पे काफ़ी ज़्यादा कुछ काम करते हैं। कश्मीर अपने शॉल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए हमें आप देख सकते हैं कि हर एक पैनल पे हर एक डिफरेंट हेरिटेज, हर एक डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट हम प्रमोट कर रहे हैं। तो जितने भी टूरिस्ट, जितने भी आम आदमी ये सब जाएंगे, वो इस पर एक नज़र से ही उन्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आजकल हम सब जानते ही हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है और जो हमारे जो पुराने आर्ट एंड क्राफ्ट हैं वो धीरे धीरे डिमिनिश होते जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पूरे देश का हर एक इंसान जाने कि कश्मीर कितना ज़्यादा रिच है अपने हेरिटेज के लिए, और मैं इस आर्ट एंड क्राफ्ट को आगे भी बढ़ाना चाहूँगी, आगे भी प्रमोट करना चाहूँगी जिससे ये कभी भी ख़त्म ना हो।